मनरेगा में धांधली को लेकर आए दिन मामले उजागर हो रहे हैं। मनरेगा योजना को संचालित करने के लिए शासन प्रशासन भले ही कितनी पारदर्शी व्यवस्थाएं अपनाए, लेकिन ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों, सचिवों, प्रधानों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े का खेल खूब फल फूल रहा है। हालांकि उन्नाव जनपद में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसले बुलंद हैं। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी होती है और पत्रकारों के माध्यम से उच्च अधिकारियों के पास खबर पहुंचती है, तो अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए जांच के नाम पर खानापूर्ति करते हैं और तो और आरोप सिद्ध होने पर भी FIR दर्ज कर अपने आप को ईमानदार साबित करने का काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि MB पास करने से लेकर पैसा निकलवाने तक के लिए कमीशन बंधा होता है। अपने कमीशन के चक्कर में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर उच्च अधिकारी पलिता लगा रहे हैं। संबंधित अधिकारी केवल कागजों पर कोरम पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन धरातल पर का हो रहा है किसी अधिकारी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में नाबालिग बच्चों से भी काम की लिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर मनरेगा के कामों में बच्चों द्वारा काम करते हुए पाए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, जबकि शासन का साफ निर्देश है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उन्नाव जिले में इसका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। ताजा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक के शेरपुर अरिक्षित ग्राम पंचायत का है, जहां मनरेगा के अंतर्गत हो रहे काम को नाबालिगों से प्रधान द्वारा करवाया जा रहा है। मनरेगा के नियमों को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान और उनके सेक्रेटरी द्वारा बाल श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहीं ब्लॉक के जिम्मेदार कर्मचारियों की खामोशी ग्राम प्रधान के इस कृत्य को मौन स्वीकृति प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कम उम्र के बच्चे मनरेगा कार्य के अंतर्गत गांव के तालाब में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जब नाबालिग छात्रों से जानकारी ली गई तो एक ने अपना नाम मुकेश बताते हुए कहा कि कक्षा 8 में पढ़ाई करता है, वहीं दूसरे ने अपना नाम शुभम बताया। छात्र ने बताया कि वह कक्षा 9 में पढ़ता है। इस समय फतेहपुर 84 ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेखपुर अक्षरक्षा के आरक्षा में तालाब में मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है। दोनों छात्रों की उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जहां एक तरफ लाखों खर्च कर सरकार सब पढ़े सब बड़े की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही नुमाइंदों द्वारा नाबालिग बच्चों से कार्य आखिरकार कैसे लिया जा रहा है, जबकि प्रदेश की सरकार द्वारा कानून के पालन हेतु विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। वहीं CDO उन्नाव से इस विषय में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र का किशोर मनरेगा जैसे किसी भी सरकारी कार्य को नहीं कर सकता। यदि नाबालिग छात्रों से मनरेगा का कार्य करवाया गया है तो इसकी जांच कर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। CDO साहब ने कहा कि CUG नंबर पर वीडियो भेजो। जिस पर वीडियो भेजी गई तो कई दिन होने के बाद भी नहीं देखे वीडियो को। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस समस्या के मूल में जाकर कैसे जांच हो कि ये नाबालिग क्यों इस तरह की मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार इनके परिवार में किस चीज़ की कमी है या इनको क्या चाहिए जिसके लिए इस तरह से अपनी नाबालिग उम्र में, पढ़ाई की उम्र में ये मनरेगा में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश। किस गाँव में रहते हो? पिताजी का क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8 में। यहाँ किस गांव में क्या काम कर रहे हो? शिक्षा में नरेगा। नरेगा। आपका क्या नाम है? शुभम। किस गांव में रहते हो? अठरछम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। पिताजी का क्या नाम है? सुरेश। यहाँ कौन सा काम कर रहे हो? नरेगा। नरेगा। किस गाँव में कर रहे हो? अठरछम। अचिरछा में। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? कौशल। लगभग उम्र तुम्हारी कितनी है? 8 क्या है, कुछ जानकारी है? आपका क्या नाम है? अजय कुमार। आप किस गांव के निवासी हो? शेरपुर अचिरछा। शेरपुर अचिरछा। इस समय क्या काम कर रहे हो? नरेगा। इस वक्त आपके साथ में कितने लोग कुल काम कर रहे हैं? अब गिनती लगभग कितने काम? लगभग 40 काम कर रहे हैं। लगभग 40। हाँ।
पिताजी का आपके क्या नाम है? लालता प्रसाद। उसमें लिखा गया है कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से मनरेगा में कार्य कराया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या करें, सुरक्षा कदम उठाएंगे इसको लेकर? देखिए वैसे यह चीज संभव नहीं है, लेकिन अगर आपका कहीं इस तरह का मिलता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो उसका मानक है कि 18 से प्लस है वो ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका पूरे तरह से पालन हो।